हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्नर्स आर दैट 360। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9 कंप्यूटर सब्जेक्ट का जो मॉडिफाइड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो पहला टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कितने कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, और जो भी कंपोनेंट्स होगा उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे और वो कैसे काम करता है इसके बारे में लिखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो फ्रेंड्स, बेसिकली देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, मींस कि जो तीन कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के। फर्स्ट वन होता है इनपुट यूनिट, सेकेंड वन होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और थर्ड वन होता है आउटपुट यूनिट। तो आप स्क्रीन पे इन तीनों कंपोनेंट्स का एक डायग्राम देख रहे हो। इसमें आप देख रहे हो कि जो इनपुट डेटा है जो कि बना होता है डेटा और इंस्ट्रक्शन से, उससे जो डेटा ट्रांसफ़र होता है मींस वो डेटा को सेंड करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में तीन कंपोनेंट्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो जो भी हमारा डेटा और इंस्ट्रक्शन होगा वो कंट्रोल यूनिट के पास जाएगा, और कंट्रोल यूनिट उसको जो भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन होंगे उसको परफॉर्म करेगा, और फिर वो मेमोरी यूनिट के पास जाएगा और मेमोरी यूनिट देखेगा कि उसको कहाँ पे स्टोर करना है। मीन्स स्टोरेज जो होती है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में होता है, जैसे हार्ड डिस्क होगी, CD, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव होगी, तो ये सारी होगी। तो उस पर जितने भी कैलकुलेशंस या जो भी ऑपरेशंस करना होगा जो कंट्रोल यूनिट या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करेगा, उसका जो रिक्वायर्ड आउटपुट होगा वो आउटपुट यूनिट के पास चला जाएगा। तो आउटपुट यूनिट जो है वो हमें रिक्वायर्ड आउटपुट वो दिखा देगा। वो दिखाएगा कैसे? वो दिखाएगा प्रिंटर की मदद से, या मॉनिटर की भी हमें मिल जाएगा, या स्पीकर की मदद से। मीन्स जो जितने भी आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो जितने भी रिजल्ट्स होते हैं उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जितने भी आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनके कॉम्बिनेशन को हम आउटपुट यूनिट बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं इनपुट यूनिट क्या होता है। तो बेसिकली इनपुट यूनिट इज फॉर्म्ड बाय अटैचिंग वन और मोर इनपुट डिवाइसेस टू अ कंप्यूटर। अ यूजर इनपुट डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू द इनपुट डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड एंड माउस। दिस इनपुट यूनिट इज यूज्ड टू प्रोवाइड डेटा टू द प्रोसेसर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। मीन्स जो इनपुट यूनिट होता है वो एक या एक से ज़्यादा इनपुट डिवाइसेस से बना होता है। जो भी जितने भी डिवाइसेस हमारे इनपुट डिवाइसेस हमारे सिस्टम्स के साथ अटैच होते हैं तो उनसे वो इनपुट यूनिट बना होता है। तो इसमें इनपुट यूनिट्स पिक्चर में आप देख रहे हैं इनपुट यूनिट कौन कौन से हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, तो ये दोनों इनपुट यूनिट्स हैं। ठीक है, तो इनकी मदद से क्या करते हैं हम, जो डेटा इंस्ट्रक्शंस हैं उनको इनपुट करते हैं विद इन दी सिस्टम। ठीक है, और ये जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये प्रोसेसर के पास चला जाता है फॉर दी फर्दर प्रोसेसिंग। मीन्स उसमें कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं फिर वो प्रोसेसर डिसाइड करता है। नेक्स्ट आ जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द मेन यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो मेन यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम होता है। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बेसिकली फ्रेंड्स एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। ठीक है, और इसको माइक्रो प्रोसेसर क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है। मीन्स आप माइक्रो प्रोसेसर की जगह कई लोग इसको प्रोसेसर भी बोलते हैं। तो जो प्रोसेसर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है किसी भी सिस्टम को रन करने के लिए। ठीक है, तो आजकल जो मार्केट में प्रोसेसर आ रहे हैं वो लेटेस्ट आ रहे हैं i3, i5 और i7 जो कि इंटेल कंपनी बनाती है। और भी कंपनीज हैं बहुत सारे प्रोसेसर बनाती हैं, जैसे AMD है, स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर जो हैं वो आजकल मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन्स में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। तो बेसिकली प्रोसेसर का काम क्या होता है, बेसिकली इट कंट्रोल्स ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड परफॉर्म्स द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। मीन्स कि जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेज कंप्यूटर के साथ अटैच होती हैं उनको ये कंट्रोल करता है, और जो भी रिक्वायर्ड ऑपरेशंस होते हैं, चाहे वो एडिशन करना है, चाहे वो सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, कुछ भी करना है, वो प्रोसेसर का काम होता है। तो नेक्स्ट टाइम कि प्रोसेसर बना कहाँ से,
इस चीज़ों से होते हैं। तो बेसिकली द प्रोसेसर चिप कंटेन्स मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस मीन्स सॉरी मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स। तो प्रोसेसर जो होता है वो मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स से बना होता है और ये ट्रांजिस्टर्स हमें काम करते हैं हमारे इंस्ट्रक्शंस को रन करने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, दीज ट्रांजिस्टर्स वर्क टुगेदर टू स्टोर एंड मैनिपुलेट डेटा सो दैट द प्रोसेसर कैन परफॉर्म अ वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शंस। तो जैसे आपको पता है कि ट्रांजिस्टर्स जो बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स मिलके एक प्रोसेसर बनाते हैं, तो ये ट्रांजिस्टर्स क्या करते हैं, ये इकट्ठे काम करते हैं ताकि ये डेटा को स्टोर कर सकें, इसको मैनिपुलेट कर सकें, ताकि प्रोसेसर जो है वो वैरायटी ऑफ फंक्शंस परफॉर्म कर सकें। वैरायटी ऑफ फंक्शंस में क्या क्या आएगा, एडिशन आ जाएंगे, सब्ट्रैक्शन आ जाएंगे, अगर हमने कोई वो डॉक्यूमेंट ओपन करना वो आ जाएगा, अगर हमने कोई वीडियो फाइल रन करनी है वो आ जाएगा। तो इस तरह बहुत सारे जो ऑपरेशन होते हैं वो प्रोसेसर ही करता है, या इसको आप बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद आ जाए द स्पीड ऑफ अ सीपीयू इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन इट एग्जीक्यूट्स पर सेकेंड एंड इट मेजर्स इन मेगाहर्ट्ज़। मीन्स की जो स्पीड उसकी सीपीयू की जो स्पीड होती है वो कहाँ से नापी जाती है, जितने भी इंस्ट्रक्शंस को वो रन करता है पर सेकंड, उनसे पता लगता है कि सीपीयू की स्पीड कितनी है। तो बेसिकली जो सीपीयू की स्पीड होती है वो मेगाहर्ट्ज़ में होती है या गीगाहर्ट्ज़ में होती है, ठीक है। इसको बोला जाता है क्लॉक स्पीड, ठीक है, इसको बोला जाता है क्लॉक स्पीड। तो आजकल जो प्रोसेसर आ रहे हैं उनकी जो स्पीड है वो गीगाहर्ट्ज़ में है, ठीक है। आगे देखते हैं कि सीपीयू के और कितने कंपोनेंट्स होते हैं, सीपीयू एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो बेसिकली सीपीयू के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट वन इज नोन एज द मेमोरी यूनिट, सेकंड वन इज नोन एज द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एंड थर्ड वन इज नोन एज द कंट्रोल यूनिट। तो आइए इनको डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट वन इज मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी में क्या होता है, बेसिकली मेमोरी यूनिट जो होता है वो बहुत ही जो वो उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है जो भी जो डेटा है उसको स्टोर करना। बेसिकली इट इज द प्रिंसिपल स्टोरेज ऑफ द कंप्यूटर और ये डेटा और इंस्ट्रक्शंस दोनों को स्टोर करता है। मींस इट स्टोर्स बोथ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन और डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड परमानेंटली इन दिस यूनिट सो दैट दे आर अवेलेबल व्हेनेवर रिक्वायर्ड। मींस जितने भी डेटा या इंस्ट्रक्शन हम इसमें स्टोर करते हैं वो परमानेंटली सेव हो जाता है जब तक कि उसको यूजर डिलीट नहीं कर देता, ठीक है। और इसको फ़ायदा क्या है कि जब भी हमें वो डेटा चाहिए तो हम उसको जो है अपनी मेमोरी यूनिट से कभी भी रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। तो मेमोरी यूनिट के जो है वो दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट वन इज नोन एज द प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी एंड सेकेंड वन इज नोन एज द सेकेंडरी मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी मेमोरी और इंटरनल मेमोरी क्या होता है। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी इज अ प्लेस वेयर डेटा एंड प्रोग्राम्स आर स्टोर टेम्पररी। प्राइमरी मेमोरी इज अ प्लेस वेयर डेटा एंड प्रोग्राम्स आर स्टोर टेम्पररी एज लॉन्ग एज दे आर बीइंग एग्जीक्यूटेड। तो प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जहाँ पे डेटा और प्रोग्राम्स जो है वो स्टोर होते हैं कुछ देर के लिए जब तक कि उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी डॉक्यूमेंट में कोई डॉक्यूमेंट मैंने ओपन किया और उसको मैं लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, कोई पैराग्राफ लिखता हूँ, तो वो तब तक रहेगा प्राइमरी मेमोरी में जब तक कि वो डॉक्यूमेंट ओपन है। एज सून एज मैं उसको क्लोज कर देता हूँ तो वो प्राइमरी मेमोरी से वॉश अवे हो जाएगा, मीन्स वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी डेटा हम रन करते हैं या जो भी ऑपरेशन एग्जीक्यूट करते हैं या जो भी एप्लीकेशन रन करते हैं वो प्राइमरी मेमोरी में टेम्पररी पीरियड के ही रहती है। जब हम उसको और जो रिक्वायर्ड एप्लीकेशंस को यूज़ करके बंद कर देते हैं तो वो प्राइमरी मेमोरी से डिलीट हो जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इट इज़ वेरी फास्ट एंड एक्सपेंसिव बट हैज़ अ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। ये बहुत ही महंगी और तेज़ होती है बट इसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो थोड़ी कम होती है। पर आजकल जो रैम्स आ रही हैं उसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा आ गई है, आजकल 16 GB तक रैम आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो दो टाइप्स की होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली, इनके बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है रैम और रोम के बारे में, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आई बटन में दे दूंगा, तो उस पर जाके आप इनको डिटेल में पढ़ सकते हो या देख सकते हो उसकी प्रॉपर वीडियो और नोट्स बना सकते हो। सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जहाँ पे हमारा डेटा जो है परमानेंटली स्टोर रहता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मींस इट इज़ अ मेमोरी वेयर डेटा इज स्टोर परमानेंटली एंड इज एक्सेसिबल फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ
टाइम। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, मीन्स इसमें जो है डेटा वो तब तक वो रहता है, परमानेंटली रहता है, ऐसा नहीं है कि लाइट चली गई और डेटा वहाँ से डिलीट हो गया। मीन्स ये वॉलेटाइल इसका नेचर होता है, इसमें जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं वो परमानेंटली यहाँ पे स्टोर रहते हैं। नेक्स्ट वन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमरी और ऑक्सिलरी मेमरी, इसको हम एक्सटर्नल मेमरी और ऑक्सिलरी मेमरी भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज, इट इज़ चीपर देन प्राइमरी मेमरी, मीन्स जो प्राइमरी मेमरी मीन्स रैम से और रोम से ये सस्ती होती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, इफ यू वॉन्ट टू एनी असेस डेटा फ्रॉम सेकेंडरी मेमरी देन इट इज़ फर्स्ट ट्रांसफर्ड इन टू द प्राइमरी मेमरी एंड इज देन सेंड टू द सीपीयू। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हमें कोई भी चीज़ या कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी डेटा हमें सेकेंडरी मेमरी जो हमारे सेकेंडरी मेमरी में स्टोर है और अगर हम उसको असेस करते हैं तो वो सबसे पहले क्या होगा कि वो डेटा हमारा प्राइमरी मेमरी में आएगा टेम्प्ररी फॉर द टेम्प्ररी पीरियड ऑफ टाइम, और उसके बाद जब वो रैम में आ जाएगा या प्राइमरी मेमरी में आ जाएगा तो उसको फर्दर सीपीयू के पास भेजा जाएगा फॉर द नंबर फॉर द ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म्ड ऑन द डेटा, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी हम कोई भी डेटा असेस करते हैं तो वो डेटा हमारा सेकेंडरी मेमरी में परमानेंटली सेव होता है। तो सपोज करो मैंने डॉक्यूमेंट को असेस करना है जो मैंने सेव किया हुआ है या उसको मॉडिफाई करना है, तो वो सबसे पहले क्या होगा, वो डॉक्यूमेंट जो है प्राइमरी मेमरी आएगा, फिर प्राइमरी मेमरी से अगर मैंने उसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी है या कुछ एडिशन करना है डिलीशन करना है उसमें, तो वो नेक्स्ट सीपीयू के पास जाएगा। तो सीपीयू बताएगा उसमें इन्होंने क्या ऑपरेशंस परफॉर्म किया, और उसके बाद वो ऑपरेशंस जो परफॉर्म किए हैं उसको परफॉर्म करने के बाद वो डेटा उसको सेव कर लिया जाएगा और फिर से वो सेकेंडरी मेमरी में अपनी जगह पे चला जाएगा। तो ये कुछ सेकेंडरी मेमरी के डिवाइसेज हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं फॉर द परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा। सबसे पहले है हार्ड डिस्क, नेक्स्ट वन इज सीडी, नेक्स्ट वन इज एसडी कार्ड, नेक्स्ट वन इज पेन ड्राइव, फिर फ्लॉपी डिस्क, ब्लूरे डिस्क, मैग्नेटिक टेप, पेन ड्राइव्स और एसएसडी और एचडीडी। तो बेसिकली आजकल जो जितने भी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस हैं वो जो यूज़ हो रही हैं वो हार्ड डिस्क हो रही है, सीडीज हो रही हैं, मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव हो रही हैं, यहाँ से ज़्यादा ये हो। फ्लॉपी डिस्क तो वो बहुत पहले यूज़ होती थी, अब ये वैनिश हो गई हैं। मैग्नेटिक टेप्स भी बहुत पहले यूज़ होती थी, ये भी वैनिश हो चुकी हैं, ठीक है। पर SSD जो मेमोरी थी वो भी अब वैनिश हो चुकी है, बहुत कम लोग इसको यूज़ करते हैं। इसकी कंपैरेटिव आजकल SSD हार्ड डिस्क ड्राइव यूज़ होती है। तो SSD का मतलब होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट आ जाता है इसी के CPU का पार्ट है, उसको बोलते हैं ALU, उसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो ALU बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं CPU का, इसको हम बेसिक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक भी बोला जाता है। फ्रेंड्स ब्लॉक लिखा गया है, ब्लॉक इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द CPU। और इसका काम क्या होता है, इट इज़ बेसिकली यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है फ्रेंड्स। मैं फिर से दोहराता हूँ, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का काम क्या है, इट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ द CPU एंड इट इज़ द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द CPU एंड इट इज़ अ डिजिटल सर्किट विच इज़ यूज टू परफॉर्म लॉजिकल एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो इसका मेन काम होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। अब ये कौन कौन से अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, आइए वो देखते हैं। फर्स्ट वन ये करता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस। फ्रेंड्स मैंने मॉडुलस नहीं लिखा, तो आप मॉडुलस भी ऑपरेशंस एक परफॉर्म करते हैं। और कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, एंड और नॉट। बेसिकली एंड और नॉट जो है वो लॉजिक गेट्स होते हैं, और लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन, ये लॉजिकल ऑपरेशंस होती हैं, जिसमें क्या होता है कि दो ऑपरेंड्स को कंपेयर किया जाता है कि अगर वो ए, जैसे ए और बी दो ऑपरेंड्स हैं तो इनको आपस में कंपेयर किया जाता है कि ए इज़ लेस देन बी और ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है। और लॉजिकल ऑपरेशंस क्या करते हैं, वो टेस्ट करते हैं वेरियस कंडीशंस जो कि प्रोसेसिंग के दौरान उनको मिलती हैं। मीन्स कि अगर मेरे पास कोई प्रोग्राम है उसमें मैंने लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो वो जितने भी ऑपरेशंस मैं परफॉर्म करूँगा वो सारे प्रोसेसिंग के दौरान ही होंगे। तो इसमें अगर मैंने कोई प्रोग्राम लिखा है कि मुझे कैलकुलेट करना है कि इज़ ए इज़ ग्रेटर देन बी और सी,
तो उसमें ऑपरेशन कौन सा ग्रेटर देन लिखेगा, तो वो देखेगा कि फिर वो दोनों ए को बी, ए को बी से भी कंपेयर करेगा और ए को सी से भी कंपेयर करेगा। ये सारी जितनी भी कंडीशन आती हैं ये प्रोसेसिंग के दौरान ही जो है परफॉर्म की जाती है। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट इज अ कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट डायरेक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर। मीन्स कि कंट्रोल यूनिट जो है वो एक कंपोनेंट होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का, जो कि प्रोसेसर को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि कैसे प्रोसेसर ने अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। फ्रेंड्स मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है प्रोसेसर को कि आपने जो बेसिकली जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं वो कैसे परफॉर्म करने हैं। मीन्स इट टेल्स द कंप्यूटर मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द इंस्ट्रक्शंस दैट हैव बीन सेंड टू द प्रोसेसर। मीन्स कि जितने भी हम इंस्ट्रक्शंस या डेटा प्रोसेसर को सेंड करते हैं वो कंट्रोल यूनिट प्रोसेसर को बताता है कि आपने कैसे इस पर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट परफॉर्म, वो कंट्रोल यूनिट बताता है कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ने इस पर कैसे परफॉर्म करना है, इनपुट आउटपुट यूनिट डिवाइसेस ने कैसे परफॉर्म करना और कंप्यूटर मेमोरी ने इस पर कैसे इसको स्टोर करना है। तो आप बोल सकते हो कि जो कंट्रोल यूनिट है वो एक तरह का ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोला जाता है। मीन्स कि जैसे हमें ब्रेन से इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि हमने ये सारी चीज़ों को कैसे करना है, इसी तरह कंट्रोल यूनिट भी सभी मेमोरी यूनिट्स और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को इंस्ट्रक्शंस देता है कि आपने कैसे रिस्पॉन्ड करना है जब वो सारी इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसर के पास चली जाती हैं। मीन्स कि वो प्रोसेसर को बताता है कि उसने कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे कंट्रोल करना है सभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को जब वो इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसर के पास आएंगी। वो ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो यूज़र के द्वारा दी जाती हैं। नेक्स्ट वन इज आउटपुट यूनिट। तो फ्रेंड्स आउटपुट यूनिट इज बेसिकली यूज फॉर डिस्प्लेइंग और प्रिंटिंग द प्रोसेस डेटा इन अ यूजेबल रीडेबल फॉर्म। तो आउटपुट यूनिट क्या होता है, आउटपुट यूनिट का काम है फॉर डिस्प्लेइंग द डेटा इन अ यूजेबल यूजर रीडेबल फॉर्म। नेक्स्ट वन आउटपुट यूनिट का कहाँ कैसे बनता है, आउटपुट यूनिट बनता है आउटपुट डिवाइसेस की मदद से। दैट इज आउटपुट यूनिट इज फॉर्म्ड बाय अटैचिंग द आउटपुट डिवाइसेस टू अ कंप्यूटर। नेक्स्ट वन द आउटपुट यूनिट एक्सेप्ट्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सीपीयू एंड डिस्प्ले इट इन अ यूजर रीडेबल फॉर्म। तो आउटपुट यूनिट क्या करता है, जितने भी सीपीयू ने अपने इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म किए, ऑपरेशंस परफॉर्म किया होता है ओनली गिवन सेट ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शंस, उससे जो भी उसको रिजल्ट मिलता है वो आउटपुट यूनिट के पास भेज देता है और आउटपुट यूनिट उसको डिस्प्ले कर देता है इन अ यूजेबल रीडेबल फॉर्म, वो फॉर्म में जिसको वो यूजर समझ सके। तो कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, फर्स्ट वन इज मॉनिटर, सेकेंड वन इज प्रिंटर एंड अनदर वन इज स्पीकर। फ्रेंड्स आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। तो आई होप आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगे। थैंक यू वेरी मच।